भी। मुझे क्षमा कीजिए, मानती हूँ कि मेरा तरीका गलत था। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कभी भी अनु का या इस घर का बुरा नहीं चाहा। मेरी वजह से सबको बहुत तकलीफ हुई है। प्लीज मुझे इस तरह से घर से मत निकालिए। भाभी, भाभी, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। बस बस एक मौका और दे दो प्लीज। किस बात का पछतावा बीजल है? अरे अपने बेटे जैसे भतीजे अनुकल्प की शादी तोड़वाने चली थी तू? अपनी ससुराल में तो तेरी बनती नहीं, यहां अपनी भाभी से भी नहीं बनती। इसका मतलब ये नहीं बीजल कि तू अनुकल की जिंदगी भी बर्बाद करे, समझी? शर्म आ रही है मुझे ये सोच के कि तू मेरी बेटी है, मास्टर दीनानाथ गांधी की बेटी। बीजल, मोटा भाई, टैक्सी आ गई है, अने आले तारी ट्रेन टिकट। मोटा भाई, वो ये ऐसा कैसे कर सकती है? वो मेरे साथ ऐसा? नहीं अनुकल, गलती उनकी नहीं, गलती मेरी है भाई का। मैं ही गुजराती बहू नहीं हूं ना, मुझे गुजराती तौर तरीके कुछ भी तो ढंग से नहीं आते। शायद इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करती थी, उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सही जोड़ीदार नहीं हूं। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे फुई की तो आदत है ऐसी ऐसी ऊटपटांग बातें सोचने की। बकवास बातें आती रहती उनके दिमाग में, तुम सोचो मत। देखो मोना, भगवान ने मेरे लिए एक साथी चुना है और वो तुम हो। अब जिसे ऊपर वाले ने खुद चुना हो मेरे लिए, वो मेरी गलत जोड़ीदार कैसे हो सकती है बताओ? पर मैं अगर गुजराती होती तो मुझे सब सब आता ना। मोना अंबाजी गुजराती है ना, उन्हें सारे तौर तरीके बहुत अच्छे से आते, मानती हो? तुम्हें पता है जब उनकी शादी पापा से हुई थी ना, तब भी फुई को यही शिकायत थी। उन्हें लगता था कि पापा की शादी अंबाजी से गलत हुई है। टिपिकल सास और ननद वाला जो बिहेवियर होता ना, वो था उनका। अगर मेरी शादी तुम्हारी जगह आंचल से हुई होती तो कुछ दिनों के बाद उन्हें उससे भी प्रॉब्लम होती। अब ये
ये ऊट पटांग बातें सोचनी बंद करो और अपने छल्ले को माफ कर दो। अब तुम क्यों माफी शाफी मांग रहे हो भाई को? वो तुमने कई बार कोशिश की थी आंसर की सच्चाई मुझे बताने की, मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं सुनी, उसके लिए। लेकिन अनुकल, मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि अंबा जी को सब कुछ खुद से पता लग गया। वो आंचल के इरादे उन्हें खुद से पता लग गए। वो कोट वाली बात और वो दाल ढोकली वाली बात, वो भी उन्होंने खुद से पता लगा ली। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब हुई जब अंबा जी ने सबके सामने मेरा साइड लिया और उस आंचल को जता दिया कि वो गलत थी। तुम जानती हो कि आज जो अंबा जी ने किया है ना, उसे एक बात साफ है। क्या? और तुम पे बहुत भरोसा करती हूँ मोना। अपनी इस बहू से बहुत प्यार करती है अंबा जी। हाँ अंकल, पहले तो उन्होंने मुझे सिर्फ तुम्हारी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, इस घर की जिम्मेदारी दे दी थी, चाबियां भी दे दी थी, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे अंबा जी ने दिल से मुझे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। आपको मोना को जो भी आशीर्वाद देना है कह के दे दीजिए, हम यही मान लेंगे कि आपने सचमुच उसे माफ कर दिया। सेजल कह दे अपने भाई से, आंचल वाली बात अलग थी, उसका घर में कारोबार शुरू करने से कोई लेना देना नहीं है। और आंचल ने जो किया उसे उसकी सजा मिल गई। तुम दोनों चिंता मत करो। देखो मना बेटा, ये जो तुम्हारी अंबाजी है ना, बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से एकदम सख्त लेकिन अंदर से एकदम नरम। मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि वो तुम दोनों को माफ कर देगी। बस मेरी पेमेंट करवा दीजिए, मैं चलता हूँ। जी जी बिल्कुल। करण पुत्र, सच कहो, आप लोग जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो हमेशा टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं। यही तो रखे थे मैंने पैसे। ये तो लिया अलमारी में, ब्रीफकेस में कुछ पैसे रखे थे, तुमने देखे क्या? तुम्हारे पैसों की चौकीदारी करने नहीं बैठी। हेतल, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि यह अलमारी में पैसे रखे थे, 90,000 रुपए थे, तुमने देखे क्या? 90,000 रुपए? माफ करना, इतने पैसे तो मैं सिर्फ सपनों में देख सकती हूँ, सच में नहीं। तुमसे तो बात ही करना बेकार है।
पैसे कहाँ गायब हो गए? पैसे कहीं कहीं लाते हो? ब्रीफकेस से गिर तो नहीं गए? हम क्लाइंट को क्या जवाब देंगे? हम क्लाइंट क्या होगा? ये पैसे क्लाइंट के थे? मुझे तो पता ही नहीं था ये बात। अब कैसे पैसे देंगी क्लाइंट को? ये कहां से लाऊंगी? मैंने तो पैसे भी खर्च कर दिए सारे। चाचा जी एक मिनट। पैसे? चाचा जी वो पैसे मिल नहीं रहे। वो अलमारी में नहीं है और पूरा कमरा छान मारा, कहीं पे भी नहीं है। तोलानी साहब ये दो मिनट, मैं बस दो मिनट में आया। चल मेरे साथ। ये क्या कह रहा है तू? पैसे नहीं मिल रहे मतलब कहाँ गए पैसे? अरे तू इतना लापरवाह कब से हो गया? अरे कुछ तो बोल, कहाँ गए पैसे? करण कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने खर्च कर दिया? खर्चा? अभी शादी हुई है तेरी, हो सकता है। नहीं चाचा जी, मैंने खर्चा नहीं किया। मैं खर्चा क्यों करूंगा? मुझे तो पता था कि वो तोलानी जी के पेमेंट के पैसे हैं, मैंने संभाल के रखे थे। लेकिन अरे तो फिर कहाँ गए पैसे? और तोलानी को क्या जवाब दूं मैं? क्या कहूं मैं उससे कि मेरा भतीजा इतना लापरवाह है कि उसने आपके पैसे खो दिए? यही कहूं मैं उससे? की गले सतनाम, क्या हुआ? भाई साहब इसकी लापरवाही देखिए, इसकी उम्र में मैं कितना जिम्मेदार था? इसको मैंने 90,000 रुपए दिए थे उस तोलानी को पेमेंट करने के लिए, अब कहता है कि पैसे नहीं मिल रहे, खो गए। अब मैं जैसे तैसे करके करता हूँ कुछ इंतजाम। हाँ आप चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ करते हैं। अरे आप दोनों क्या करेंगे? पैसे है ही कहाँ आपके पास? कितने चाहिए देने जी? 90,000। मैं अभी लाई। तू कब? भाई साहब परजाई जी माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं नहीं नहीं ठीक है जी। विमेर इतने पैसे तेरे पास कहां से है? ओ सब छड़ो, तुसी जाओ अपने वो तो लानी नू पैसे दे दो, जाओ तुसी, मेरी राम कहानी बाद में सुनना। तलानी साहब ये लीजिए आपके पैसे पूरे हैं। अच्छा जी मैं चलता हूँ। नमस्ते जी, सत श्री अकाल। जल्दी कर मोना, अंकल को ऑफिस के लिए भी रेडी हो गया होगा। हाय रब्बा, ये अभी आरती के वक्त एकदम ठीक ठीक था, अभी क्या हुआ? अंकल क्या हुआ? अंकल तुम्हारी तबीयत मवियत तो ठीक है ना? पता नहीं मोना, थोड़ी देर पहले तो तबीयत एकदम ठीक थी, लगता है बुखार आ गया है। फिर नहीं जाता, छुट्टी ले लेता हूँ। लेकिन अंकल तुम्हारी बॉडी तो एकदम ठीक टेम्परेचर पर है, तो बुखार शुखार कैसे हुआ? तुम तो मुझे एकदम भले चंगे लग रहे हो। वो बुखार नहीं है शायद, हरारत है अंदर से, बदन में बहुत दर्द है मोना। देखो ना, देखो ये यहाँ दर्द है। हाँ भाई कौन, ये ऐसा कैसे बुखार है? ये वो बहुत खतरनाक टाइप का बुखार है शायद मोना, सडनली अटैक करता आदमी पे। ओ
ये कहीं वो प्यार वाला बुखार तो नहीं है ना, जो कभी भी आ जाता है? हाँ, वही वही प्यार वाला। हाँ। ओ, तो अब ये कैसे जाएगा ये बुखार शुखार? जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? दुनिया में हर बीमारी का इलाज होता है, इसका भी एक इलाज है। अच्छा, क्या इलाज है इसका? ये इलाज है मेरा, कसम से। सुबह से शाम तक मेरे साथ रहो, अपने आप ठीक हो जाऊंगा। तुम बहुत शैतान हो, छोड़ो मुझे जाने, बहुत सारे काम है। रुको ना प्लीज, बहुत सारे काम है, छोड़ो। एक इलाज और है मेरे पास। क्या? ये उत्तर अभी के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तोलानी को उसके पैसे मिल गए, लेकिन पुत्र बहुत सारे पैसे गायब हुए हैं। पता तो लगाना ही होगा ना कि आखिर इतने सारे पैसे गए कहां। हां पुत्र, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है 90,000 रुपए। तू याद कर पुत्र, तू जब दुकान से चला था पैसे लेकर, तो रास्ते में कहीं रुका था या कहीं गया था या किसी को मिला था? नहीं, कोई नहीं मिला था, ना ही मैं कहीं रुका था। सीधे दुकान से पैसे लेके मैंने ब्रीफकेस में डाले और ब्रीफकेस को लाके अलमारी में रखा था। अच्छे से याद है मुझे। मतलब पैसे तेरे अलमारी में से ही गायब हुए? हाँ, तो गायब तो वहीं से हुए। इस घर में कोई आ तो सकता है, पर मेरे रूम तक कोई नहीं जाता। केतल पुत्र, तेनू भी कुछ नहीं पता? मुझे कैसे पता होगा कि इन्होंने पैसे कहाँ रखे हैं? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैंने? ना ना पुत्र, मिमी का मतलब ऐसा नहीं था। हाँ, मैं तो बस यही जानना चाहती थी कि तेरे कमरे में क्या हुआ तुझे नहीं पता? चाची जी, अगर मुझे पता होता कि करण ने पैसे अलमारी में रखे हैं, तो मैं कमरा खुला ही नहीं छोड़ती। हेलो, हाँ, जय श्री कृष्ण सेजन। क्या एक मिनट रुक। भाई साहब, पुलिस में तो रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। नहीं सताम, नहीं, पुलिस का चक्कर ठीक नहीं है। पुलिस तो घर के हर आदमी से 50 सवाल करेगी। हाँ भाई साहब, लेकिन ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। ना पुत्र, ऐसे मत सोचो, जो होना था हो गया। जा देख जरा। हाँ जी। हेलो, हाँ ठीक है, बता दूंगा। मित्तल रुको,